और हाँ, अभी जस्ट गुड न्यूज आई है कि गुड न्यूज ये है, व्लॉग पूरा देखो तो पता चलेगा। जल्दी सो जाती हूँ दीदी। और ये कुछ स्क्रंची में न्यू कलर्स आए वो दिखा देती हूँ। ये रहा डिफेंडर जो काफी अच्छा लोशन है। एंड सी, मेरा एक भी बाल नहीं झड़ा है क्योंकि मैं आजकल हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने तो सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया है और चिकू ने कल मम्मी उदयपुर गए थे तो मम्मी के साथ मंगवाई थी गार्लिक ब्रेड। हालांकि हम सबके लिए वो पिज़्ज़ा ही मंगवा रहे थे, पर मैंने कहा पाव भाजी बना रही हूँ, पिज़्ज़ा को कर दो कैंसिल, तो दो गार्लिक ब्रेड ही मंगाई थी जो कि हमने कल रात को एक खा ली और एक अभी इसको गर्म करना है। ओवन तो क्या, एक्चुअली हमने किसी कारणवश भी बाहर रखा है और ओवन में चिकू को गर्म नहीं करना, तो अभी यहाँ पे तवा रख दिया। चिकू तवे पे बटर लगाओ, डायरेक्ट ही सेकूं। ये हमारी गार्लिक ब्रेड जो कि बाटा बन चुकी है पूरी, अब इसको गरम करके सॉफ्ट करते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के आनंद। डोमिनोज, अभी अभी हम लोग उदयपुर गए नहीं है, खाया ही नहीं है डोमिनोज। अब जब भी जाएंगे डोमिनोज ही खाएंगे क्योंकि बाकी सब जगह तो अभी खाना बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाएगा क्योंकि आप समझ ही रहे हो कोविड कितना बढ़ रहा है। सो सब अपना ध्यान रखें कृपया करके और वेयर मास्क। ब्रेड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, वो बैटरी लो हो गई। हाँ, कौन सा गाना गा रहा है, शिद्दत वाला? तो वो मटला ऊपर मटलू चिकू, ये गाना है छोड़ दो। गान 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 मटला ऊपर मटलोर, बदमाश अभी वो तो रिकॉर्ड हो गया जब तू बाहर आके गा रहा था मटला ऊपर मटलू वाला ना। उसके आजकल गाने जबरदस्त फेवरेट हो गए हैं। अभी कौन सा फेवरेट है बता, अभी रिसेंटली द विलेजर्स। द विलेजर्स कौन सा है? ना वो तो आप सर्च करके देखो, वो एक कोई है थी, वो ही है ना, बहु प्रेम करी वो था गाना। नहीं वो तो नहीं। मटला मते मटलू, मटला पर मटलू, मटला पर मटलू, फर्स्ट में अच्छा गा रही थी। अब नहाने की तैयारी मैं कर ही रही हूँ, मैंने कहा क्यों ना साथ में थोड़ा सा जो खाना बनाना है उसकी तैयारी करके फिर ही नहाने जाऊँ। तो मम्मी ने बोला है उड़द की दाल और मक्की की रोटी बनानी, तो उड़द की दाल अपन बॉईल करके जाते हैं हांडी के अंदर, ढक दिया है, धीरे धीरे बॉईल होता रहेगा, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ नहा कर। और गीज़र भी ऑन कर दिया है, बहुत ठंड भी लग रही है सो इसीलिए। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जो एक डिफेंडर है जो दुकान पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं घर पे मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको बताती हूँ। ये रहा डिफेंडर जो फॉर्म में है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, ऑल टाइप ऑफ स्किन है, किसी को सूट हो ना हो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रेज़र डिफेंडर और ये जो कि मैंने आपको बताया था आफ्टर शेव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये प्री शेव या आफ्टर शेव, ये शेव करने के लिए रेज़र बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, मस्ट ट्राई दिस। और आप सच में बहुत ही ज़्यादा इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे बिकॉज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आपको रिव्यू गलत तो दूंगी नहीं क्योंकि मेरी फैमिली है तो मैं उस फैमिली को गलत रिव्यू नहीं दे सकती ना, इसीलिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ट्राई करो। और आपको बता दिया है मैंने कैसे क्या है, तो इस हिसाब से शॉप करो, से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, नंबर भी दे दूँगी, ऑर्डर करना हो परचेज करना हो आगे परचेज करो। मेरे पास लिमिटेड ही कपड़े ज़्यादा नहीं है, सो मैं आज पहनने वाली हूँ ये वाला येलो कुर्ता लेगी और ये स्काफ मेरा। जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, यश के अंदाज में जल्दी से हो जाती हूँ रेडी।
नहाकर मैं रूम में आ गई और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और आजकल ठंड है तो ऑब्वियस बॉडी ड्राई हो जाती है। तो मैंने मेरे ब्लॉग में बताया था कि मैं यार्डले का लोशन लाई हूँ अभी, और काफ़ी अच्छा लोशन है, पूरा दिन स्किन बहुत ही अच्छे से नरिश रहती है, और प्लस बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, ग्रीसी ग्रीसी नहीं लगता है, पूरा दिन चिपचिपाहट बॉडी पे नहीं होती है। सो इसकी थिकनेस वगैरह बताती हूँ मैं आपको। मेरा स्किन केयर बाकी है, बाकी तो रेडी हो चुकी है, हेयर्स भी बनाने बाकी है, पर ये चिकू का जो वुडन कॉम्ब है जो कि मेरा था पहले, तो वो क्या बहुत टाइम से मैंने वॉश नहीं किया, चिकू इससे बाल बनाते हैं तो इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ ताकि इसमें जो भी जम्स हो वो ख़त्म हो जाए। कॉम्ब धुल गया, रूम में ही रख दूँगी तो अपने आप ही सूख जाएगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी, स्किन केयर हो गया है, और सभी लड़कियों और मेरे जैसी यानी क्या कहते हैं यार, शादीशुदा लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है, रोज़ उठ के बाल कैसे बनाएं, किस टाइप से रेडी हों कि थोड़ा अच्छा लगे। फेस पर तो आपने देख लिया है, मैंने मेरा मिशेल का स्किन केयर किया है, और हाँ अभी जस्ट गुड न्यूज़ आई है कि गुड न्यूज़ ये है, व्लॉग पूरा देखो तो पता चलेगा, गुड न्यूज़ ये है कि मिशेल पर 15% ऑफ आया है, और 15% ऑफ के साथ फ्री शिपिंग है, तो आप कहीं पर भी है वो मिशेल का प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। मैं ज़्यादा आपको अगर मिशेल के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूँगी, उसके ऊपर आप कॉल करके तो जितने भी प्रोडक्ट की क्वायरी है आप वहाँ से कन्फर्म कर सकते हो, और आपका प्रोडक्ट भी आप मंगवा सकते हो। ये बात हो गई। अब रोज़ यानी वेडिंग वूमन्स के लिए, कुंवारी लड़कियों के सबके लिए जो मेरे जैसी हैं वर्किंग वूमन, उन सबको ये प्रॉब्लम होती है कि रोज़ उठ के बाल कैसे बनाएं। हालांकि मैं तो कितने भी अच्छे बाल बना दूँ, मुझे तो शॉप पे जाके टाई करना ही होते क्योंकि मुझे काम रहता है इसलिए। सो अभी मैंने पूरे बालों को खोल दिया और काफ़ी मैसे लग रहे हैं, तो इन बालों के लिए मैं रोज़ हेयर स्टाइल अलग अलग टाइप्स की बनाती रहती हूँ, जैसे कहीं पिन डाल दिया, कहीं बालों में स्क्रंची डाल दिया, पोनी टेल कर दिया, या फिर हाफ पोनी टेल कर दिया, या फिर क्लचर डाल दिया, डिफरेंट करती रहती हूँ क्योंकि चिकू को बहुत पसंद है, मैं अलग अलग तरीके से रोज़ तैयार हूँ, और मुझे भी पसंद है क्योंकि उनको पसंद आता है इसलिए। मेरा एक भी बाल नहीं झड़ा है क्योंकि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का शैम्पू एंड ऑयल। आपके लिए देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, नीचे बैठ के बाल बना रही हूँ घुटनों पर। मोस्टली मेरे व्लॉग्स में तो आप ऐसे ही मेरे बाल देखते हो खुले और साइड पार्टिंग, क्योंकि मुझे साइड पार्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर आज मेरा कोई भी यहाँ पर हैपिन है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऑल टाइम तो इस टाइप से साइड पार्टिंग ही बाल बनाती हूँ, पर कभी कभी मैं थोड़े से बाल ऐसे आगे लेकर एंड देन ऐसा करके 1 2 3 टिप्स क्या कहते हैं इसको 1 2 3 फ्लिप्स ऐसे करके फिर यहाँ पर मैं एक तो कोई हेयर पिन डाल दूंगी, क्योंकि जो मैं आज पिन लगा रही हूँ वो तो डिलूज है, इस टाइप की कोई पिन, बस ये मेरी हेयर स्टाइल। और अगर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से यानी मुझे काम ज़्यादा है और ऐसा कुछ है तो पूरे बाल ऐसे पीछे लेके एक पोनीटेल कर लेती हूँ, जो कि मैं स्क्रंची से करती हूँ क्योंकि स्क्रंची से है ना मुझे लगता है एक बाल भी नहीं टूटता है, प्लस अपने बाल भी अच्छे से बन जाते हैं और थोड़े अच्छे भी लगते हैं बालों में। और अभी और स्क्रंची है वो स्टॉक में आ गए हैं, मैं आपको शॉप पे जाके बताऊँगी। तो दाल वगैरह तो मैंने बॉयल कर दी थी, अब मक्की की रोटी बनानी है साथ में, तो एक दो मैं बनाती होती हूँ, इतने मम्मी फ्री हो जाएंगे, मम्मी बनाएंगी बाकी। डोंट जज मी, मुझे आती नहीं है अच्छे से बनाने, पर कोशिश हमेशा जारी रखती हूँ, कभी तो अच्छी बन जाए। अभी चिकू के लिए बना रही हूँ छोटी छोटी मक्के की रोटी। खाना खा लिया है, अब जाती हूँ शॉप पर, और आजकल काफ़ी लेट भी हो रहा है, 2 तो बज गई हैं, पर चले जाते हैं। पास ही आएगा वो। शॉप पर आ गई थी और शॉप पर आके मेरा मूड हो गया अपसेट, क्योंकि ऋषभ देव में कोविड के पेशेंट्स फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं,
जैसे तैसे करके ये माहौल पूरा गया था और वापस से माहौल आ रहा है, इसलिए डर लग रहा है बहुत ज़्यादा और मूड भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है यार। प्लीज़ ध्यान रखो अपना अपना, प्लीज़ वेयर मास्क, क्योंकि काफ़ी डर लगने वाली चीज़ हो गई है। हम सब जने वैक्सीनेट हैं, जो वैक्सीनेट नहीं है कृपया करके वैक्सीन लगवा ले। हालांकि मेरे पहचान में तो जितने लोग हैं सब ने लगवा रखी है, पर तो भी लगवा ले वैक्सीन अगर नहीं लगवा रखी है। और यहाँ पर आई थी, फिर शॉप पे बैठी हुई थी, आगे कुछ दिमाग में काम चल नहीं रहा था, क्या करूँ क्या नहीं। घर से तो मूड एकदम फ्रेश ले गई थी, पर यहाँ के सारा अपसेट हो गया। और सारा अरेंज कर रही थी अच्छे से, क्योंकि अब जनवरी भी आ गया है, कल ही मलमास उतरा है, तो अब मलमास जैसे ही गया है वैसे वेडिंग्स चालू हो जाएंगी और वेडिंग्स के ऑर्डर्स भी हैं, तो उस हिसाब से सब कंप्लीट अच्छे से न्यू रजिस्टर वगैरह बनाए और सब लिखा वगैरह। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी बज गई हैं 3:43 और मुझे कुछ और भी काम है शॉप पर, तो वो भी निपटाती हूँ। और ये कुछ स्क्रंची में न्यू कलर्स आए वो दिखा देती हूँ। तो रोमा मेकअप स्टूडियो पर विज़िट कर रहे हो तो परचेज़ कर सकते हो, बस यही कहना चाहते हैं। और अपना काम करते हैं अब, आज थोड़े से फ्री हैं तो कर रहे हैं सैलून की सफाई। सेम वही फैब्रिक यहाँ सोफे पर भी है, लेदर वाला। सलून हमने चकाचक किया है, कंप्लीट पूरी सफाई की है। अभी और भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, ये भी पूरा साफ किया, पर पूरे सब पे गंदगी जम गई थी। और पूरा वाइट है ना, तो वाइट मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर पूरा जैसे से करके क्लीन तो किया है। यहाँ पर नीचे भी झाड़ू वाड़ू थोड़ा मार दिया है, थोड़ा वैक्यूम और घुमा देते हैं क्योंकि जहाँ पे भी बाल हों वो वैक्यूम के अंदर आ जाएँ, ताकि सलून में तो साफ़ सफाई करके लॉक कर दिया है। और मैं बैठी बैठी कुछ जुगाड़ दौड़ा रही थी। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बस सब दर्द हो रहे हैं क्योंकि आज तो मार रगड़ रगड़ के सलून में पूरी सफाई करी है। चू को बोला अभी लेने के लिए आएंगे, कब निकलते हैं, शायद उस शॉप पर भी बिजी इसलिए आए नहीं है, बाकी नहीं तो 6:30 बजे तो आ ही जाते हैं। 7 बजने आ गई, अब 7 बज रही हैं तो अब भी आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। आज मैं आपको एक अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। शुगर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि है क्विंच, और इसके अंदर है सारा स्किन केयर। और स्किन केयर के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ एक न्यू आई है जो कि हमारी शॉप पर भी न्यू है, ये पिंपल्स पैचेस हैं, जो हमारे पिंपल्स हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स हैं और आपको बहुत सारे एक से दो अगर कहीं फंक्शन में जाना और आपके पिंपल आ गए, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे पिंपल्स के लिए पैचेस हैं। वो पिंपल का पैच आप अगर रात को लगा के सो जाते हो तो वो पिंपल भी आपका रात में ख़त्म हो जाएगा, प्लस जो रेडनेस होगी वो भी हील हो जाएगी। और ये ट्री ट्री ऑयल से बना हुआ है, सो आपके पिंपल को बहुत जल्दी एक रात में ही हील करने वाला है, इसलिए डोंट वरी। अगर आपको पिंपल हो गया और दूसरे दिन फंक्शन में जाना है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें और ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करें। इसके अंदर दो साइजेस आएंगे, छोटी और बड़ी, छोटे पिंपल के लिए भी है पैचेस और बड़े पिंपल के लिए भी है। और साथ ही साथ ये रेडनेस को भी ख़त्म कर देगा, तो पता ही नहीं चलेगा पिंपल हुआ था भी कि नहीं हुआ था। और हमारा जो पोर है, जो हमारा ओपन पोर्स है उसको भी बंद कर देगा, उसको स्क्वीज कर देगा, ताकि जो हमारा पिंपल हुआ था उसका कोई भी नामो निशान ना बचे। तो ये है प्रोडक्ट, इसकी पैकेजिंग ये है और अंदर इस टाइप से आएगा, यहाँ से ओपन होगा और अंदर छोटी छोटी साइजेस के पैचेस हैं कि आप अपने पिंपल्स पे लगाकर उसको ख़त्म कर सकते हो। अब चलते हैं घर पे क्योंकि चिकू आगे लेने के लिए। घर पर आ गए हैं और कोविड का इतना सीन चलते हुए चिकू इनके बैग को रीलोड कर रहे हैं मास्क से क्योंकि मास्क ख़त्म हो गए थे सारे, इसलिए कल उदयपुर जाना। अच्छा, मेरे को ले जाओगे? मेरी बारी आता है, देखते हैं। और खाना बन चुका है घर आके, खाने में आज ज़्यादा कुछ मेहनत ना करते हुए सिर्फ खिचड़ी बनाई है। थक गए थे ना आज दुकान पे, आपने देखा ही है कितना काम किया, और मैंने कितना शूट ही नहीं किया था क्योंकि कस्टमर आ गए थे। मैंने कहा यार शूट नहीं करती हूँ इसलिए, पर पूरा कंप्लीट चकाचक करके आया सलून आज। तो मॉडल नंबर से नहीं,
खिचड़ी बन गई है और पापड़ भी साथ में फ्राई कर दिया है, तो खाना खा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई, एकदम चिकू को भाती वैसी। वर्किंग मैन काम कर जा करे जा रहे हैं साथ में और खाना भी खा रहे हैं। खाना खा लिया है और मम्मी आए थे कृष्णा जी एक दो दिन पहले, तो तब मेरी मम्मी लेके आई थी अमेरिकन भुट्टे, तो वो अभी बॉईल किए। तो चिकू को भी मैंने अभी एक दिया है, एक मैं खा लेती हूँ और बस यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वी लॉग। बाय।